सो फाइनली गाइज हम लोग इधर से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं सीता गुफा, उसके बाद नारायणी रिवर, देन फिर घर के तरफ। काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी सुकून मिला इधर। ऑब्वियस ही बात है, भोलेनाथ के इतने पुराने मंदिर या फिर भोलेनाथ के कोई भी मंदिर आ पाओगे तो सुकून तो ज़रूर मिलना है। सो वही आभास मुझे मेरे दिल में हो रहा है और मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा मंदिर सबसे प्राचीन और जिसकी वजह से ये जाना जाता है। दिस इज द वे टू सीता गुफा एंड दैट इज माउंटेन, दैट इज सुदीप, दिस इज माई एंड दिस इज सैम। My YouTube channel, the UP444, right there. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep flying. Everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. So guys, इधर बंदर ही बंदर है और काफी हमला भी करते हैं। तेरे पीछे आ रहा है एक डराने की सिवा कुछ काम है नहीं तुम लोग का। सो गाइस हम लोग गलत रास्ता आ गए थे, ये रिवर की साइड ले जाती है, बट हमें जहाँ से हम लोग इधर में सीढ़ी डाउन से मुड़े हैं उधर से हम लोग को सीधा जाना है उस साइड में और उधर पड़ेगा Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Again, we are going on the same track. वापस। And this is monkey. अगर इसको करेंगे तो ये काटता है। अरे मजाक मत। So guys, अब हम जा रहे हैं इस साइड से सीता गुफा के साइड। सो गाइस ये रास्ता। सो गाइस इस तरीके का यहाँ रास्ता है। ये भी आज ये गुरु वृष्ट गुफा है और कुछ इस तरीके से ये गुफा बनाई गई है पहले से। सो गाइस देख सकते हैं इधर का व्यू कितना शान। फिर त्यस्तो पनि नगर्नु न, केही गर्दैन कि चलाउनु दिन्छ। So guys, this is the final destination. और ये सीता गुफा इधर से अंदर आप देख सकते हैं, लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है सीता गुफा। So guys, ये है सीता गुफा। इधर में सीता बस गई थी यहाँ। अच्छा यहाँ पे समा गई थी बस। हाँ भसन जो होते हैं यहाँ पे आके ठहरी थी यार। जब वो लेने आए थे तो भसन नहीं हो गया था। हाँ। सीता का भसन हो गया था ना। हाँ। जब राम लेने आए थे तब ये भसन वाला एरिया ही है। सो ये भसन वाला एरिया है जहाँ पे इसको सीता गुफा बोलते हैं। वहाँ पे भी बंदर बैठा हुआ है हनुमान जी हमें। और जो जो रियल है जहाँ पे भसम हुई थी, जहाँ पे वो थी वो ये है जहाँ पे इनकी मूर्ति लगी हुई है। ये है मेन जगह और ये कुछ इस तरीके से गुफा है। और उस टाइम में यहाँ पे और विशाल रहा होगा क्योंकि ये अभी कट गया है काफ़ी, आप देख सकते हैं टाइम के बीतते बीतते। और यहाँ से आप किधर से यहाँ पे देखना वो जैसे मतलब ऐसे आ जाते हैं ना ऐसे तरीके से दिख रहा है। सो गाइस देख सकते हैं आप ये पूरा अंदर जगह है कि ऊपर एक खाली जगह गई हुई है। और ये सीता जी की मूर्ति है और ये पूरा पहाड़ और ये सीता गुफा। और आप इधर से जब आओगे तो आप देखोगे इधर का व्यू, इधर ये रिवर
सो गाइज यहाँ पे बहुत मज़ा आया और फाइनली अब यही था ना यहाँ तक डेस्टिनेशन सुदीप, यही डेस्टिनेशन है। सो गाइज फाइनली अब हम लोग इधर से निकलेंगे अपने घर के साइड में, और काफ़ी अच्छा व्यू इधर का रहा और होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मेरे यहाँ पे दादी माँ हैं, उनसे मैं पूछवाता हूँ अभी अगर हो सकेगा कि यहाँ पे क्या यहाँ का इतिहास है। माता इनलाई प्रणाम, यहाँ को बारे में कहीं भन दिनु ना, इंडिया बड़ा आगा हूँ। यहाँ सीता माता धरती पे लीन हो गई, समा गई थी, समाहित हो गई। तो यही जगह है देवघाट, सीता माता के लिए देवघाट हो गई। यही सीता माता को समाधि जहाँ वो खड़ी है ना जी, वही जगह में सीता माता को समाधि है, ऊपर से नीचे त्या समाधि हो गई। सो गाइज मैंने आपको जो अभी पीछे जगह दिखाई थी जहाँ पे सीता माता का मूर्ति लगी हुई है, सो दादी माँ ने ये बताया है कि वही वो जगह है जहाँ पे वो समाहित हुई थी, और तब से इस जगह को देवघाट के और ये धाम के ज़रिए यहाँ को जाना जाता है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ना कि नेपाल में ही बल्कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं बाहर से वो यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं। सो ये हैं। तो दादी माँ आप इधर कितने दिन से हैं, मतलब कितने साल हो गए आपको इधर? 17 साल हो गए। अच्छा, तो आप इधर ही रहते हो, खाते हो सब कुछ इधर? और रहने वाले आप किधर के हैं? नेपाल के ही हैं? नेपाल के हैं ना। ओके, सो गाइस ये था फाइनल रिव्यू, नाउ इट्स टाइम टू गो टू होम, और इधर से हम लोग निकलते हैं और पहुंचते हैं अपने घर साइड। सो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ रिवर के साइड, और मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, अभी हम लोग को नीचे जाना है, और ये है पूरा इधर का व्यू। सो गाइस देख सकते हैं ये पूरा।